हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी बच्चे? आई होप सब एकदम बढ़िया। चलिए, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बच्चे कि सर, ये जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होती है, ये हम क्यों बनाते हैं, मतलब हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखो बच्चे, अगर आपका भी अकाउंट होगा तो आपको एक स्टेटमेंट आती है, उसको बोला जाता है पासबुक। वो पासबुक कौन बनाता है? बैंक। इसी तरीके से कंपनी का भी अकाउंट होता है तो कंपनी के पास भी एक पासबुक आती है, जो कि कौन बनाता है? बैंक। लेकिन कंपनी के अंदर जो सारी की सारी ट्रांजैक्शन है वो अकाउंटेंट भी रिकॉर्ड करता है थ्रू जर्नल एंट्री। आपको पता है सारी जर्नल एंट्री, बैंक टू सेल्स, रेंट टू बैंक, सब कुछ बैंक में भी रिकॉर्ड होगा, ये अकाउंटेंट कर रहा है। तो उसी ट्रांजैक्शन को आप ये कह सकते हो कि अकाउंटेंट भी रिकॉर्ड करता है और उसी ट्रांजैक्शन को बैंक भी रिकॉर्ड कर रही है। तो जब ये दोनों के बैलेंस मैच नहीं करते, जैसे सपोज करो आज 18th October है, पासबुक का बैलेंस आ रहा है 100 रुपये और कैशबुक जो कि मेरे अकाउंटेंट ने बनाई है वो आ रहा है 80, तो मैंने पूछा भाई ये 20 रुपये का डिफरेंस क्यों आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली वो क्या करेगा, वो मुझे एक स्टेटमेंट दे देगा। उस स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो हमें डिफरेंसेस ढूंढने पड़ते हैं, वो अकाउंटेंट ने डिफरेंस ढूंढे होंगे क्यों फ़र्क आ रहा है, और वो एक स्टेटमेंट बना के दे देगा BRS। तो बेसिकली जब कैशबुक और पासबुक में डिफरेंस आता है तो उसका डिफरेंस कहाँ पे लिख दिया जाता है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। थैंक यू वेरी मच।